हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं पिक्सल कैम के बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान हम जो है पर आपके साथ कुछ फोटो सैंपल को शेयर करने वाले हैं, जो कि हमने ये जो पिक्सल कैम का जो बिल्ड है इसके साथ क्लिक किया है। तो यहाँ पर वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ये जो पिक्सल कैम है इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर ये जो पिक्सल कैम का जो बिल्ड है सब डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब इस गूगल कैमरा को ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये जो पिक्सल कैम का जो बिल्ड है सब यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस के ऊपर जो है ये जो पिक्सल कैम का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। रेडमी, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, ये सभी डिवाइस के साथ ये जो पिक्सल कैम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। नंबर बात कर लेते हैं पर जो यूजर इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑटो वाइट बिल्ड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर लिप पैचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड ये जो ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है प्लस मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, बट जो टेलीफोटो लेंस एंड बट जो है वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह से बट यूजर इंटरफेस देने को मिलता है। तो बट जो है पिक्सल कैम का जो 7.3 का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। अगर बात करें यहाँ पर जो फीचर्स के बारे में, इस अपडेट के साथ क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले पर जो है DCI-P3 कलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड इस अपडेट के साथ जो सेटिंग्स फोन है कम्प्लीटली पर जो रीडिजाइन हो गया है। तो पर जो सेटिंग्स फोन जो है कम्प्लीटली पर रीडिजाइन हो गया है, प्लस पर जो मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटो क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम जो है आपके सामने पर जो लाइव कुछ फोटो को क्लिक करने वाले, देखते हैं किस तरह से जो है पिक्सल कैम के साथ जो पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। सबसे पहले पर जो हमने जो ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है इसे एनेबल किया है। ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद आपके पर एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा और जो है नेचुरल कलर देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो ऑटो वाइट बैलेंस को एनेबल करते हैं प्लस मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लाइव फोटोज का जो ऑप्शन है इसे हमने बंद किया है, प्लस जो HDR मोड का जो ऑप्शन है उसे भी हम एनेबल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो HDR मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली जो HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है इसे हमने सिंपली यहाँ पर जो एनेबल किया है। तो यहाँ पर HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड के ऊपर हम जो है पर फ्रेम को इंक्रीज करने वाले। तो यहाँ पर जो 18 तक फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो है फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो HDR मोड को सिलेक्ट किया है, HDR एनहांस मोड को सिलेक्ट किया है, प्लस यहाँ पर जो 18 फ्रेम को सिलेक्ट किया है HDR एनहांस मोड के साथ। नाउ यहाँ पर जो फोटो को हम क्लिक करने वाले, देखते किस तरह से यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है पोको F1 डिवाइस, इसके साथ कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते एंड देखते किस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिल रहा है। तो पर जो फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे हमने नोटिस किया है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो है फोटो सेव होने में टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर जो डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, और कुछ फोटो को जल्दी से क्लिक करते देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो कुछ फोटो को क्लिक किया है, देखते किस तरह से पर जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है ढेर सारी अलग अलग फोटो को क्लिक किया है पिक्सल कैम के साथ, जो कि हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ये जो फोटो हमने यहाँ पर क्लिक किया है, देख पाओगे फोटो जो काफी बड़े है, बट आपको जो है HDR मोड, जो HDR एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। प्लस आपको यहाँ पर जो काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। फोटो के ऊपर जो डिटेलिंग है काफी बढ़िया है, आपके ऊपर जो फोटो के साथ ज्यादा नॉइज देने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर लेस नॉइज देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है, प्लस यहाँ पर आपको काफी हद तक नेचुरल कलर देने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस को एनेबल करने के बाद आपको एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर जो है ज्यादा सैचुरेट कलर देने को नहीं मिलेगा। प्लस जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है, एंड यहाँ पर आप जरूर इस जिगम को यूज कर सकते हो, आपको काफी बढ़िया यहाँ पर जो है बढ़िया क्वालिटी के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। देख सकते हो काफी हद तक नेचुरल कलर देने को मिलेगा, एक्यूरेट कलर देने को मिलता है, ज्यादा सैचुरेटेड कलर यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। प्लस आपके ऊपर जो बेटर डीलिंग विद बेटर कलर देने को मिल जाएगा, नेचुरल कलर है। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पर जो डीलिंग के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड ये जो जी कैम का जो बिल्ड है, ये जो पिक्सल कैम का जो बिल्ड है, अगर आप चाहते हो एज ए
डेली डाइवर भी यूज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, कोई भी ग्रीन टिन का इशू देने को नहीं मिलेगा। एंड पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के साथ भी अपर्चर ड्रिलिंग के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। एंड लो लाइट में अगर फोटो क्लिक करते हो आप सिंपली अपर्चर एस्ट्रो मोड यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर EIS एंड OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है पिक्सल कैम 7.3 के साथ। अब जरूर से गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। ना पर बात कर लेते फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है जो सेटिंग्स मोड है, सेटिंग्स मोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बैक कैमरा के ऊपर जो है पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3 है, पिक्सल 4, पिक्सल 4 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर बैक कैमरा फ्रंट कैमरा के ऊपर जो अलग अलग पिक्सल डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। HDR मोड के साथ फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है इंस्टेंट HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। मोड ऑप्शन के ऊपर जो मैक्सिमम ब्राइटनेस का ऑप्शन है, पर जो व्यू फाइंडर के ऊपर जो मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर जो टच फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर डिजिबल हेक्सागन DSP का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद HDR मोड के ऊपर जो इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है। DCI P3 कलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है। नेक्स्ट पर जो डिजिबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम ऑप्शन में टैप करने के बाद जो जूम होता है उसे आप डिजिबल कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जूम का जो ऑप्शन है उसे डिजिबल करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। लिप पैचर का जो ऑप्शन है बैक कैमरा एंड यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा के साथ काम कर जाएगा, मल्टीपल लेंस के साथ काम कर जाएगा। बेसिकली लिप पैचर के साथ फोटो का जो क्वालिटी भी इंक्रीज कर पाओगे। यहाँ पर जो है लूमा, क्रोमा, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ISO ये सभी को आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो फोटो के ऊपर मैनुअल कंट्रोल के साथ आपको बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा GCam के साथ। तो यहाँ पर जो लिप पैचर का जो ऑप्शन है मल्टीपल लेंस के साथ भी काम करते हैं। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के साथ। यहाँ पर जो पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3 है, पिक्सल 4 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से यहाँ पर जो ऑटो वाइड बैलेंस मोड के साथ ए सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, एस्ट्रो मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है एस्ट्रो मोड के साथ ए सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर नाइट साइड मोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है व्यू फाइंडर के ऊपर बटन्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर लिप पैचर का जो बटन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस का जो बटन है ऐड किया गया है। प्लस मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस प्लस वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिजेबल करने का ऑप्शन है, गूगल लेंस का सजेशन है ऐड किया गया है, फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली GCam से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। बट गेशेस का ऑप्शन है, डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर दीजिएगा, आप सिंपली वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद गूगल कैमरा के साथ अगर कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो HDR कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। HDR कंट्रोल प्लस रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता, आपको अलग से यहाँ पर से एनेबल करना होगा। प्लस यहाँ पर जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस गूगल कैमरे के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। 4K टाइम लैप्स का ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है। OIS EIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर 100 MBS तक जो वीडियो का जो बिट रेट आप इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ क्वालिटी देने को मिलेगा। तो जरूर से जो GCam का जो बिल्ड सब ट्राई करके देखो। यहाँ पर कैमरा के साथ जो HDR मोड का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है। पर ऑटो एड बैलेंस को ऐड किया गया है। रॉ फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, लाइव फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड के साथ जो फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, टाइमर का जो ऑप्शन से काम करता है, प्लस फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है। ऑटो एड बैलेंस को एनेबल करने के बाद एक्यूरेट कलर देने को मिलता है फोटो के साथ। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो, नियर, फार, इन्फिनिटी, सर से पर मैक्रो फोकस का जो ऑप्शन से, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम करते हैं, प्लस एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है नाइट साइड मोड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें
अभी फिलहाल यहाँ पर जो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपके डिवाइस पर स्लो मोशन और टाइम लैप्स और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से अगर काम नहीं कर रहा है, सिंपली पर जो स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पर जो मोड के ऊपर पैनोरामा फोटो एक्सपर एंड टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, या पर अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन से यूज कर सकते हो, प्लस पैनोरामा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पैनोरामा के साथ, यहाँ पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से फिलहाल यहाँ पर जो काम नहीं कर रहा है पिक्सल कैमरा के साथ, आप सिंपली यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग जी का जो वीडियो है उसे आप जरूर से चेकआउट करके देखो। एंड पिक्सल कैम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस जीकेम को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।